YouTube चैनल के एक और खतरनाक वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही ज्यादा फोन कॉल्स आए थे इस वीडियो के लिए, टाइगर वर्सेस क्रोकोडाइल। आज हम इन दोनों जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा अगर ये दोनों जानवर आमने सामने होते हैं तो? कौन सा जानवर ज्यादा खतरनाक है और दोनों की लड़ाई में कौन सा जीतेगा? और क्या खूबी है उस जानवर में जिसकी वजह से वह जानवर जीतेगा? यह सब जानकारी आपको बस कुछ ही मिनटों में हम बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा वाइल्ड लाइफ यूट्यूब चैनल के साथ और बेहद जानकारी भरी वीडियो का मजा लीजिए। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस प्यारे दोस्त का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर आपको जंगली जानवरों के बारे में बेहद जानकारी भरी और रोमांचक वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इन खतरनाक जानवरों के बारे में। हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं टाइगर की सबसे ताकतवर प्रजाति साइबेरियन टाइगर और क्रोकोडाइल की सबसे ताकतवर प्रजाति नाइल क्रोकोडाइल को। दोनों ही जानवर किसी राक्षस से कम नहीं है। अगर इनके चंगुल में कोई जानवर फंसे तो इनसे जान बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन ही है। साइबेरियन टाइगर एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं जबकि नाइल क्रोकोडाइल अफ्रीका महाद्वीप में। दोनों ही जानवरों का आवास यानी रहने की जगह अलग अलग है। टाइगर और क्रोकोडाइल की कुछ प्रजातियां आपको एक ही इलाके में देखने को मिल सकती है, वो सिर्फ एशिया महाद्वीप में। साइबेरियन टाइगर का वजन 250 से 350 किलो तक होता है जबकि नाइल क्रोकोडाइल का वजन 300 से 1000 किलो तक होता है। साइबेरियन टाइगर का बाइट फोर्स 950 psi का होता है जबकि नाइल क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स लगभग 5000 psi होता है। एक साइबेरियन टाइगर की लंबाई 3 से 4 मीटर तक होती है जबकि नाइल क्रोकोडाइल की लंबाई 4 से 6 मीटर तक होती है। साइबेरियन टाइगर की दौड़ने की रफ्तार 65 किलोमीटर पर घंटे की होती है जबकि नाइल क्रोकोडाइल 35 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। वैसे तो नाइल क्रोकोडाइल का मुख्य खाना मछलियाँ होती है लेकिन कभी कभी जेब्रा, हिरन, छोटे हिप्पोपोटामस, दूसरे छोटे मगरमच्छ और या फिर जो भी दूसरा जानवर इसके इलाके में पानी में फंस जाता है वो इनका खाना बन जाता है। ऐसा सभी मगरमच्छ करते हैं। ये बहुत खूंखार शिकारी जानवर है। जंगल का शेर भी उस पानी में उतरने से डरता है जिस पानी में यह मगरमच्छ रहते हैं। ये जानवर ऐसे है जैसे किलर मशीन किसी ने पानी में फिट कर ली हो। जैसे ही कोई जानवर पानी में उतरता है वह बोटी बोटी हो जाता है और इस मगरमच्छ का खाना बन जाता है। इंसान इस मगरमच्छ के लिए दो पीस का भी नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर इस खूंखार शिकारी का सामना साइबेरियन टाइगर से होगा? इस लड़ाई में बहुत सी चीजें मायने रखती है। अगर दोनों की लड़ाई जमीन पर होती है तो मगरमच्छ टाइगर का खाना बन जाएगा और अगर ये लड़ाई पानी में होती है तो फिर 70% चांस क्रोकोडाइल जीतने के होंगे। वैसे तो क्रोकोडाइल को पानी में हराना बड़ा मुश्किल है लेकिन टाइगर बहुत माहिर शिकारी होते हैं, इसलिए पानी में भी टाइगर क्रोकोडाइल पर भारी पड़ सकता है। भले ही क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स टाइगर की तुलना में बहुत ज्यादा हो लेकिन क्रोकोडाइल में मुंह को खोलने की ताकत इतनी नहीं होती। लेकिन टाइगर के लिए भी इतने सख्त शरीर वाले जानवर को मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन इंडिया में राजस्थान में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में एक टाइग्रेस थी जिसका नाम था मछली। टाइग्रेस कोड T16 था। यह बाघिन रणथंभौर की सबसे बहादुर और ताकतवर बाघिन थी। जंगल का हर टाइगर इससे डरता था। इस बाघिन के नाम पर बहुत से रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज थे। यह सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाली बाघिन थी। 2016 में इसकी मृत्यु हुई थी। इस बाघिन ने रणथंभौर में एक मंगल क्रोकोडाइल को मारा था। अगर एक रॉयल बंगाल टाइगर मंगल क्रोकोडाइल को मार सकती है तो साइबेरियन टाइगर भी नाइल क्रोकोडाइल को मार सकता है। शिकार तो सभी जानवर करते हैं लेकिन टाइगर के जैसा शिकार कोई भी जानवर नहीं करता। टाइगर बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर होते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि दुश्मन के शरीर का कमजोर हिस्सा कौन सा है। टाइगर जब क्रोकोडाइल को मारता है तो वह सबसे पहले क्रोकोडाइल की आँखों पर वार करता है, फिर क्रोकोडाइल को मारना बहुत आसान हो जाता है। टाइगर शिकार तरीके से करता है और इसीलिए टाइगर दुनिया का सबसे खतरनाक और माहिर शिकारी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा।
मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लगता है कौन जीतेगा इन दोनों की लड़ाई में? यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।